दोस्तों आज के समय में हर कोई इंसान मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल करता है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कभी कभार हमारे लैपटॉप में वायरस आ जाता है और उस वायरस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटीवायरस खरीदते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदते हैं जो कि वायरस को ढूंढ कर बाहर निकालता है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि ये वायरस आता कहां से है, ये वायरस बनाया किसने, क्या भगवान ने बनाया, क्या कहीं आसमान में उड़ता हुआ वायरस आपके लैपटॉप में आ गया? ऐसा नहीं होता। इस वायरस को कौन बनाता है? अरे वही कंपनियां जो एंटीवायरस बनाती हैं। समझे क्या? अगर एंटीवायरस कंपनियां वायरस बनाएंगी तभी तो एंटीवायरस बिकेंगे। यही एग्जैक्टली आज के समय में ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दवाई वाली कंपनीज करती हैं। ये जो बीमारियां हैं दोस्तों, ये बनाई जाती हैं। बीमारियां होती नहीं है, इन्हें बनाया जाता है। इन्हें अलग अलग तरह का नाम दिया जाता है, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बहुत बड़े बड़े नाम देकर बड़ी बड़ी दवाइयां बड़े पैमाने पर बेची जाती हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है कि बीमारी बनाई जाती है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। देखिए, हमारे भारत में सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर देसी गाय का घी इस्तेमाल किया जाता था। अब ये रिफाइंड कहां से आया? पिछले 15-20 साल से रिफाइंड का जितना पॉपुलैरिटी हो रहा है, आप देखिए तब से ही हार्ट अटैक भारत में बढ़ गए हैं। पहले कभी किसी ने हार्ट अटैक का नाम ही नहीं सुना था। मैंने अपने दादाजी से, दादी जी से पूछा, उन्होंने कहा पहले कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं आता था, ये हार्ट अटैक आज के समय में आने लगे हैं। क्यों आने लगे हैं? क्योंकि आजकल रिफाइंड ऑयल, डालडा ऑयल का इस्तेमाल बढ़ गया है। किसने बढ़ाया? इन कंपनीज ने बढ़ाया, पहले इस्तेमाल बढ़ाया, फिर उसके लिए दवाइयां लेकर आए। अब दूसरी चीज देखिए, भारत में कभी भी चीनी नहीं खाई जाती थी। भारत में 50-100 साल पहले कभी चीनी का नाम ही नहीं था। भारत में गुड़ खाया जाता था, यानी कि जागरी। भारत में नेचुरल शुगर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये चीनी का इस्तेमाल होता ही नहीं था। लेकिन जब से भारत में चीनी यानी कि सफेद शुगर आई है, तब से देखिए हर दूसरे तीसरे घर में डायबिटीज का पेशेंट्स है। तो डायबिटीज आई तभी तो डायबिटीज की दवाइयां आई, तभी तो डायबिटीज के कारण लोगों को फायदा हो रहा है। तो देखिए बीमारियां किस तरह से बनाई जाती हैं। पहले ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिनको खाकर हम बीमार पड़ते हैं, फिर उन बीमारियों के लिए दवाइयां आती हैं मार्केट में जिससे लोगों का फायदा होता है। तो दुनिया में तो ये चीजें चलती रहेंगी कि लोग आपको मूर्ख बनाएंगे, लेकिन हमें पागल बनना नहीं है। हमें वो खाना है जो हमारे लिए अच्छा है। अब अच्छा है बुरा है कैसे पता चलेगा? थोड़ा समय निकालिए, आपके दादाजी हैं, दादी हैं, नाना हैं, नानी हैं, उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने लाइफस्टाइल कैसे जिया, क्योंकि उनको देखिए, उनको तो कोई बीमारी नहीं है। मेरे दादी जी की एज 90 इयर्स है, 90 साल की है, उनको कभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उनको डायबिटीज नहीं है। वो जितना मर्जी चीनी खा लें उनको डायबिटीज नहीं होती, लेकिन मेरे मम्मा को डायबिटीज है। मेरे दादी जी के घुटनों में दर्द नहीं होता, मेरे दादी जी को किसी भी तरह की दिल से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, उनको ब्लड प्रेशर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोगों के पास समय नहीं है उनके पास बैठने का और उनसे पूछने का कि भाई आप लोग इतना स्वस्थ कैसे हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि आजकल ये जो बीमारियां हैं ये बनाई जा रही हैं, क्योंकि आजकल जो मिलने वाली चीजें हैं उनका प्रचार गलत हो रहा है। गलत चीजें खाएंगे तो फिर हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, चेहरे पर पिंपल्स, बालों का झड़ना, ये प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। तो अच्छा खाना शुरू कर दो तो इससे बॉडी भी स्वस्थ रहेगी और आपका पैसा जो बीमारियों पर खर्च होना था वो भी बच जाएगा। इसके साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा था कि चीनी खाने से बहुत सी बीमारियां होती हैं, उसका एक अल्टरनेटिव है जो आपको आसानी से मार्केट में मिल सकता है, और वो अल्टरनेटिव है जागरी का सेवन यानी गुड़ का सेवन। गुड़ आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। देखिए गुड़ को धर्मों में भी इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक कामों में आपने देखा होगा गुड़ के गुलगुले बनाए जाते हैं, गुड़ की रोटियां बनाई जाती हैं, गुड़ के चावल बनाए जाते हैं। हर मिठास वाली चीज में गुड़ का इस्तेमाल होता है, ना कि चीनी का। इसी तरह से ही गुड़ को धर्मों में भी इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियां शुरू होने पर भी गुड़ से कई तरह की रेसिपीज बनाई जाती हैं, कई तरह की मिठाइयां बनाई जाती हैं। तो पुराने समय से लेकर गुड़ का इस्तेमाल आज तक होता आ रहा है, लेकिन किसी को कभी डायबिटीज नहीं हुई। और जब से लोगों ने चीनी खानी शुरू कर दी तो डायबिटीज सभी घरों में हो गई। हालांकि सिर्फ चीनी से डायबिटीज नहीं होती, लेकिन काफी हद तक चीनी डायबिटीज का कारण बन चुकी है, क्योंकि चीनी जो है वो हमारी बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी पैदा करती है, और जब उस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज ही नहीं कर पाते, सारा दिन बैठे रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी, हमारी किडनी सब कुछ वीक होने लगता है। हमारे पैनक्रियास पर इसका काफी इफेक्ट पड़ता है और धीरे धीरे इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और इंसान डायबिटीज का शिकार हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप घर में से चीनी को निकाल दो, गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब गुड़ का इस्तेमाल कैसे करें? देखिए गुड़ आपको मार्केट में आसानी से मिलेगा, उसे ले आएं। जब भी आपको चीनी का इस्तेमाल करना होता है तो चीनी मत खाएं, गुड़ खाएं।
अगर आप चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं, चाय पीनी ही है, तो चाय में गुड़ डाल लें। चावल बनाने हैं उसमें चीनी डालने की जगह पर गुड़ डालें। सुबह खाली पेट सुबह उठते ही गुड़ का सेवन करें, थोड़ा सा गुड़ और ऊपर से एक गिलास गुनगुने पानी का पिएं। एक गिलास गुनगुने पानी का पीना ऊपर से जरूरी है क्योंकि गुड़ आपके शरीर में एसिडिटी पैदा कर सकता है। तो अगर आप गुनगुने पानी का एक गिलास पिएंगे तो इससे ना ही गुड़ आपको एसिडिटी करेगा और गुड़ के अंदर का आयरन आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर पाएगी। और दूसरा है, गुड़ का सेवन आप रात को खाना खाने के बाद जरूर करें क्योंकि खाना खाने के बाद अगर आप गुड़ खाएंगे तो आपका खाना जल्दी पचेगा, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो गुड़ का सेवन आपको दो तरह से करना है, सुबह खाली पेट आपको गुड़ का सेवन करना है और रात को खाना खाने के बाद आपको गुड़ का सेवन करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से गुड़ का सेवन करेंगे तो इससे आपको जो फायदे होंगे, शायद इस वीडियो में मैं सारे फायदे आपको ना गिना पाऊं क्योंकि इतने फायदे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में गिना ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ फायदे बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप कन्विंस हो जाएं और आप गुड़ को खाना शुरू कर दें। सबसे पहला फायदा जो आपको मिलेगा, आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा। बहुत से लोगों के बाल आजकल झड़ते हैं और झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए हम लोग लगाते हैं हेयर केयर प्रोडक्ट्स, जैसे कि हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल का सीरम और पता नहीं हेयर फॉल की कितनी दवाइयां लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझना है कि बाल झड़ते क्यों हैं, हमारे बालों की जड़ें कमजोर हैं। अब बालों की जड़ों को भाई न्यूट्रिशन चाहिए। अब ये न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, गुड़ से मिलेगा। जब आप गुड़ खाएंगे तो आपकी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में आयरन मिलेगा। इस आयरन से आपकी बॉडी में नया खून बनेगा और ये नया खून नए मिनरल्स और विटामिन्स को आपके खून के जरिए आपके बालों की जड़ों में देगा, जिससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी और आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। अगर आप लगातार सुबह खाली पेट एक महीना गुड़ का सेवन करेंगे तो इससे आपके झड़ते हुए बाल रुक जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने शरीर से खून की कमी को दूर करना चाहते हैं तो आप गुड़ का सेवन करें क्योंकि गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में है। जब आप खाली पेट गुड़ खाते हैं और ऊपर से गुनगुने पानी का गिलास पीते हैं तो इससे गुड़ के अंदर का आयरन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और आपकी बॉडी में आरबीसी बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है जिससे आपकी बॉडी एनर्जाइज भी हो जाती है और शरीर में खून बढ़ भी जाता है। और बढ़ा हुआ खून हमारी बॉडी में कई तरह के फायदे करता है, जैसे कि लो बीपी को खत्म करता है, हमारी बॉडी में रिंकल्स को खत्म करता है, चेहरे के ऊपर के पिंपल्स को खत्म करता है। तो इस तरह से आपको कई फायदे होते हैं। गुड़ खाने का अगला सबसे बड़ा फायदा दोस्तों, अर्थराइटिस के मरीजों को है। अगर आपको अर्थराइटिस से जुड़ी कोई समस्या है, आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो गुड़ का सेवन करें क्योंकि गुड़ में आयरन है, कैल्शियम है, ये दोनों चीजें आपकी बॉडी में बहुत फायदा करती हैं, आपके घुटनों के दर्द को सही करती हैं। 1 से 2 महीने में आप गुड़ के सेवन से घुटनों के दर्द को जड़ से खत्म कर सकते हैं और आप आसानी से साइकिल चला पाएंगे, आप आसानी से चल फिर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुड़ खाने से आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, तो कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए गुड़ का सेवन आपको रात को खाना खाने के बाद करना है। देखिए दोस्तों, जो खाना हम खाते हैं वो अनाज है और अनाज को पचने में लगते हैं 18 से 20 घंटे। अब 18 से 20 घंटे का समय किसी के पास नहीं है। रात को खाना खाते हैं, सुबह फिर खा लेते हैं, लेकिन 18 से 20 घंटे का गैप तो है नहीं, तो इसलिए खाने को जल्दी पचाना जरूरी है और जल्दी पचाने में मदद करता है गुड़। जब आप गुड़ खाते हैं तो खाना डबल स्पीड से पचता है, इससे जो आपका खाना 20 घंटे में पचना था वो रातों रात 10 घंटे में पच जाता है और सुबह आपका पेट साफ हो जाता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, गुड़ का ये सबसे अच्छा फायदा और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि गुड़ खुद भी जल्दी पचता है और खाने को भी जल्दी पचाता है। इसीलिए पुराने जमाने से लेकर आज तक गुड़ को खाना खाने के बाद खाया जाता है। आप अपने दादा से दादी से पूछकर देखिए, वो आपको जरूर बताएंगे कि वो बचपन से लेकर आज तक गुड़ का सेवन करते आ रहे हैं क्योंकि पुराने बुजुर्गों को पता है कि गुड़ खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है। लेकिन आजकल हम लोगों को नहीं पता कि गुड़ खाने से क्या होता है, आजकल हम लोग तो गुड़ खाते ही नहीं है। इसीलिए आजकल हम लोग उतना पैसा कहीं खर्च नहीं करते जितना डॉक्टर्स के पास करते हैं। हम लोगों को अगर छोटी सी सुई भी चुभ जाए तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन पुराने जमाने में फ्रेंड्स बच्चे भी घर पर पैदा हो जाते थे, लेकिन आजकल तो सिजेरियन ऑपरेशन के बिना बच्चे ही पैदा नहीं होते। तो इतना आजकल का माहौल बदल गया है, हम लोग बदल गए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना थोड़ा समय निकालें, अपने दादाजी के पास दादी के पास बैठें, हमारे पास इतना समय है। आजकल के इस फैले वायरस की वजह से तो आप समझ ही जाएं कि हमें अपने पेरेंट्स से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बैठकर पूछना चाहिए कि वो किस तरह से स्वस्थ रहते थे। आजकल हम लोगों ने अपने शरीर को बहुत खराब कर लिया है। इतने नहीं फ्रेंड्स, गुड़ खाने से आप हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को WHO ने साइलेंट किलर कहा है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे साइलेंट किलर घोषित किया हुआ है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान को मारती है।
आप ये समझ नहीं रहे हैं फ्रेंड्स, आपको लगता है हाई ब्लड प्रेशर छोटी सी बीमारी है। मैं आपको वार्न करता हूं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप मर सकते हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपके दिल को बहुत काम करना पड़ रहा है। आपको ये मालूम नहीं है आपके दिल का काम कितना बढ़ गया है। दरअसल आपका खून गाढ़ा हो चुका है, जिस कारण से आपके दिल को बहुत जोर लगाना पड़ता है खून को पंप करने के लिए। इससे होता क्या है, आपका दिल कभी भी फेल हो सकता है, आपकी धमनियों में कभी भी खून जमा हो सकता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकती है। इतना ही नहीं, इतने ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर से आपका दिमाग का नसें फट सकती हैं, जिससे आपको पैरालिसिस हो सकता है, आपको लकवा हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बीमारी ना समझें, इसका इलाज जल्दी करें। इसका इलाज कैसे करेंगे, गुड़ खाएंगे और ऊपर से गुनगुना पानी पिएंगे। सुबह खाली पेट अगर गुड़ खाकर गुनगुना पानी पिया जाए तो हाई बीपी के मरीजों को बहुत ही फायदा मिलता है, क्योंकि गुड़ खाने से हमारे ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। तो इसलिए आप गुड़ का सेवन जरूर करें और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम से बचें। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो आपके लिए गुड़ सबसे अच्छा है, क्योंकि गुड़ में काफी मात्रा में कैल्शियम होता है और ये कैल्शियम हमारे दांतों के दर्द को सही भी करता है और दांतों को मजबूत भी करता है। तो दोस्तों, देखा आपने गुड़ से कितने फायदे हैं। इस गुड़ को आप छोटे बच्चे, एक दिन के बच्चे को भी दे सकते हैं। गुड़ और शहद को छोड़कर दुनिया की ऐसी और कोई चीज नहीं है जो एक छोटे बच्चे को दी जा सके। ये सिर्फ गुड़ और शहद ही हैं जो सिर्फ पैदा हुए बच्चे को भी दिए जा सकते हैं। तो इससे आप इन दोनों चीजों के फायदे का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कभी भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप शहद या फिर गुड़ का सेवन करें, ना कि चीनी का। आई होप दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आजकल डायबिटीज का और इतनी बड़ी बीमारियों का कारण क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। अगर आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फ्री में जुड़ सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।